हेलो गाइस, तो आज हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने आगे दो वीडियो बनाए हैं और उसमें 45 तक के क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन थ्योरी के, मतलब VCS या सॉफ्ट स्किल। आपके CITS वालों के ये क्वेश्चंस पेपर होने वाला है। VCS का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 25 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे और 99% चांस है इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे आगे के, जिन्होंने आगे के दो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी इन वीडियो को देख लेना। 45 तक के क्वेश्चंस में विद एक्सप्लेनेशन आगे समझा चुकी हूँ। आज हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, आज के पेपर में हम लोग आज के वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है सेम आ जाए और हो सकता है आपको इसी पैटर्न के आ जाए। चांसेस हैं कि या तो ये सेम क्वेश्चन आएंगे या इसी पैटर्न के आएंगे, तो आप इन पैटर्न को अच्छे से समझ लेना तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, फैमिली बिजनेस ऑनर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ दिस बिजनेस टू, मतलब जो हमारा पारिवारिक व्यवसाय होता है या जो फैमिली बिजनेस होता है उसका स्वामी अपना व्यवसाय किसको सौंपना चाहेगा, किसको देना चाहेगा? तो किसको देना चाहेगा? नेक्स्ट जनरेशन को। नॉर्मल सी बात है, हमारे दादाजी का बिजनेस हमारे पिताजी को हैंड ओवर कराया गया, पिताजी का बिजनेस हमारा भाई संभालता है। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फैमिली बिजनेस किसको सौंपा जाता है? नेक्स्ट जनरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर देन फाइंड द इट्स पेरीमीटर। ओके, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसकी परिमिति ज्ञात करो। क्वेश्चन गणित का, मैथ का आ चुका है। सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अच्छे से इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसने क्या दिया हमें, द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया किसको बोलेंगे? ये सर्कल है और ये जो इसका पूरा कंप्लीट ये जो चीज़ है ये बता रहा है 616 है ना, 616। अब हम लोग को पता है कि ये क्या दिया है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या आप सबको ये पता ही होगा? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 616 दी है। और ये चीज़ ध्यान रखना, पाई इक्वल्स टू होता है 22/7। ये मान आप याद रख लो, आपको ये मान बहुत काम आने वाला है। ये एक फिक्स मान होता है, इस सिंबल को हम लोग पाई बोलते हैं और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सवाल में दिया है, वही चीज़ सेम लिखा है मैंने। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमको पता है, इंटू आर आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 616। अब आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये इसके साथ गुणा में तो इधर उल्टा होकर भाग में चले जाएंगे, मतलब 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। आप 22 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, वरना आप 11 से काट दो, 11 × 22 और 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66। फिर ये 2 से कट जाएगा 28। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच रही है? 28 × 7। अब देखो हमें क्या निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो सर्कल का एरिया तो दिया है मगर इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर मतलब ये सर्कल के ऊपर ऊपरी माप। मैंने आपको पहले एक ऐसा ही सेम रेक्टेंगल का क्वेश्चन करवाया था, तो पेरीमीटर बोलते हैं इसको। सर्कल के अगर मैं इस पोजिशन पे इस पॉइंट पे खड़ी होती हूँ और घूम के वापस यहाँ आती हूँ तो इसका क्या मेजरमेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमें इससे पहले आर निकालेंगे ना, तब हम उसका निकाल सकते हैं पेरीमीटर का। तो आर की वैल्यू कैसे निकालें? यहाँ पर आर स्क्वायर में है तो मैं ये टारगेट रखूँगी कि यहाँ पर भी वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ। क्या मैं 28 को 4 × 7 लिख सकती हूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 × 7 = 28 होता है। मैं 2 को भी वापस 2 × 2 लिख सकती हूँ, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने और डिवाइड करा इनको। तो 2 × 2 × 7 × 7, इसका मतलब 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर हो गया और हमारे पास में यहाँ क्या है, आर का स्क्वायर है। तो आर का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2 × 7 मतलब आपका 14, 14, 2 × 7 = 14 हो गए। तो हमारे आर की वैल्यू क्या आ गई है, 14। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ आया? अब हमें निकालना है पेरीमीटर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वैसे ही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है परिधि। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, जो हमारे क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा हुआ है, परिमिति जो पूछी हुई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो इस जगह हम सेम वैल्यू रख देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 × r की वैल्यू अभी हमने निकाली 14। 7 को डिवाइड किया 14 से,
22 इंटू दो 44, 44 इंटू टू इक्वल्स टू 88। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 88। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 47 का, कि अगर एक वृत्त का एरिया 616 वर्ग मीटर है तो इसकी परिमिति होगी 88 मीटर स्क्वायर। पहले हमने सर्कल के एरिया के फॉर्मूले में वो वैल्यू जो दी है उसको पुट करके आर त्रिज्या रेडियस की वैल्यू निकाल कर और हमने उसके परिमिति के फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल दिया। तो इसका आंसर आएगा 88 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चेंज 0.8% टू डेसिमल, मतलब 0.8 है उसको हमें दशमलव में परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे? ये चीज़ ध्यान रखो, मैंने आपको कल भी बताया था, जो नेक्स्ट पहले इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया गया, ये बोल रहा है इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है बाय 100, 100 से वैल्यू होती है। तो मैंने अगर 0.8 है और यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बटा 100 लगा दूंगी। और हमें पता है नीचे के अगर जीरो हटाते हैं तो ऊपर पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब नीचे के मैं एक और दो, दो जीरो हटाऊंगी तो पॉइंट के बाद दो जीरो लगा दूंगी और फिर हमारा पॉइंट के बाद 8 था ही। तो इसका ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, मैंने प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 100 लगाया और ये जो दो जीरो थे वो ऊपर ट्रांसफर कर दिए, मतलब पॉइंट के बाद दो जीरो आ गए। तो यहाँ हो गया 0.008, ये आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राम, सोहन एंड मोहन इज 3600, 4800 एंड 6000 रिस्पेक्टली, फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है। मतलब ये बोल रहा है कि किसी राम, सोहन और मोहन ने मिलकर 3600, 4800 और 6000 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो उनका औसत क्या है वो निकालो। तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत का एक ही सिंपल सा एक तरीका होता है औसत निकालने का, ये ध्यान रखना। औसत का मतलब होता है टोटल योग बट्टा जितने नंबर हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 3600 प्लस 4800 प्लस 6000 बट्टा कितने जने हैं, राम, सोहन और मोहन, तीन जने हैं, तो बट्टे में हम लोग क्या कर देंगे, तीन। तो मतलब हम टोटल्स नंबर को ऐड करके और उसको डिवाइड बाय थ्री कर देंगे, तो इनका एडिशंस कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक सेकेंड। 3600 प्लस 4800 प्लस 6000, 3600, 4800 एंड 6000, मतलब ये हो गया आपके 14400, मतलब 14400 बटा 3। तो 14400 आएंगे इसकी टोटल, मैंने पहले थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, एंड 4800 और 3 से डिवाइड किया क्योंकि ये तीन नंबर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4800, एवरेज आ जाएगा आपके 4800, सही आंसर हो जाएगा 4800। मतलब आपने तीनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, अगर ये चार जने होते तो चार नंबर को ऐड करते और डिवाइड बाय 4 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.25:2.25 का सरलतम रूप क्या होगा या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन है 1.5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5:2.25, मतलब हमारे पास में रेशियो में दो नंबर्स दिए हैं और उसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। बहुत सारे मैथड्स होते हैं, एक इजी मैथड मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हमें दिया है 1.5 और 2.25, पॉइंट हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इक्वल कर सकते हैं ना। तो हम लोग ने क्या करा, 1.5 है ना, इसका ऊपर का अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना हम नीचे जीरो लगा देते हैं, तो मेरे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ 10। अगर यहाँ पर 2.25 है तो मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि चलो डिवाइड भी पहले कर सकती हो या पहले इक्वल कर लो, क्योंकि हमें उसका सरलतम रूप याद करना और हमारे ऑप्शंस में सिंगल डिजिट है। डिवाइड में होते तो हम सीधा करते हैं, मगर यहाँ पर तो सिंगल डिजिट में, तो हमें नीचे के पोर्शन को हटाना है। तो कैसे करेंगे, मैंने 5 से डिवाइड किया, 3/2 हो गया और ये हो जाएगा आपके 25 से डिवाइड कर लो,
या 5 से डिवाइड कर, मतलब आप जिस भी नंबर से डिवाइड करना चाहो, 50 से भी हो जाएगा, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो आपकी इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके ये आ जाएगा 9 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया 9 डिवाइड बाई 4। तो अब आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स को इक्वल करोगे तब आपका इसको नीचे के पद को हटाना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मेरे को 2 को 4 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मेरा 4 बन जाएगा। अगर मैं ऊपर और नीचे डिवाइड में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको काटूंगी तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर दी, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 और 4 6 बाई 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 9 बाई 4। अब नीचे और दोनों तरफ इक्वल है, चाहे आप इसको डायरेक्ट काट दो, चाहे आप उधर मल्टीप्लाई में ले जाके काट दो, तो अब आपका रेशियो में क्या वैल्यू बच रही है, 6:9 6:9। तो इसको 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो इसका सरलतम रूप क्या आ रहा है, 2:3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। मतलब आपने क्या करा, जो नंबर्स था उसको लिखा, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो लगा देते हैं, यहाँ पर 1 था तो मैंने 10 कर दिया, 2 थे तो 100 कर देंगे। इनको काटने पे सरलतम रूप में आ रहा है 3/2 और 9/4, उनको लिया, नीचे के नंबर को इक्वल कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर हमें ऊपर के अंश में ही निकालना है, तो हमने नीचे के नंबर को इक्वल करके काटना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बना दिया, 4 को काट दिया, 6:9 बचा, और 6:9 को काटेंगे तो 2:3 बच जाएगा, 2:3 बच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521, 1521 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, देखो वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, जैसे ये दिया हुआ है 1521, तो हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 2 का भाग दे दोगे, वर्गमूल ज्ञात करना है, या जो भी संख्या, ऐसा नहीं है 2 का 3 का, हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 का भाग दिया पूरा नहीं जा रहा, तो हम 3 का चेक करते हैं, यहाँ पे 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग कितने बार जाएगा, 507 बार, इसमें 3 का भाग 507 बार गया। अब देखते हैं किसका भाग जाएगा, तो अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग गया अभी भी, तो कितना बचा, 169। अब 3 के बाद में और बड़ा नंबर देखते हैं 5, 7, इसमें पूरा भाग जा रहा है 13 का, तो 13 का भाग दे दिया और ये 13 का वापस भाग जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या लेते हैं, हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर अब इसका क्या बचेगा, 3 × 3 × 13 × 13, तो इन दो नंबर में से एक नंबर, इन दो नंबर में से एक नंबर, तो 3 × 13, तो यहाँ हो जाएगा 39, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, 39। क्लियर है, वर्गमूल याद करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे ये 1521 है, मगर ये एक बेसिक पैटर्न है, आप इससे किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, ये जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तब आप इस तरह का निकाल सकते हो कि 1 है तो वो किसके वर्गमूल, किसके स्क्वायर रूट के पीछे आता है, तो 1 या 9 के स्क्वायर रूट के पीछे आता है। फिर देखो कि आगे का 2 नंबर बचा, पीछे के 2 को तो छोड़ दो, हमने 1 या 9 ले लिया, अब आगे देखो 15 से छोटा कौन सा नंबर, वर्गमूल किसका पूरा होता है, तो 4 का देखते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब ये तो बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, तो 3 लेंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 और 3, इसके आगे, क्योंकि 3 का 15 से छोटा होता है स्क्वायर, तो 3 और 3 ले लिया, तो 31 और 39। अब 3 का हम लोग को पता है कि 31 का तो इससे बड़ा आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 9 होता है, तो 9 तो इससे छोटा है, तो इससे बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा वाला लेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर 39। तो आप इस बेसिक पैटर्न से करोगे तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12, 12 का घन क्या है, तो 12 का क्यूब क्या होता है, तो सिंपल सा क्यूब है, घन है, तो 12 × 12 × 12, मतलब हम लोग इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1728, मतलब घन पूछा है तो हम लोग को 3 बार लेना है, तो 12 × 12 × 12, तो इसका सही आंसर हो गया 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बीच में क्या फ़र्क होता है, तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, क्यूब रूट किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं, क्यूब रूट क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4, स्क्वायर क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई,
चार इंटू चार, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके 64 और इसका हो जाएगा 16, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 48। फ्लो इज द रिवर एज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो इज टू रिवर एज स्टैगनेट इज टू, ये बता रहा है कि आपको अगर बहता हुआ कुछ है तो उसको हम लोग पानी के प्रवाह का संबंध किससे, रिवर से, मतलब बह रहा है या प्रवाह है, चल रहा है, तो उसको हम रिवर से संबंधित करते हैं। तो रुका हुआ है, प्रवाहहीन है, स्टैगनेट है, तो उसका संबंध किससे होगा, तो देखो ऑप्शन पहला पूल, पूल में पानी हमेशा रुका हुआ होता है, ये तो हमें ध्यान है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, कैनाल, कैनाल का मतलब है नहर, और नहर में तो हमेशा पानी चलता हुआ रहता है। और ऑप्शंस है सी समुद्र, और रेन वर्षा, तो समुद्र में भी पानी कहीं ना कहीं छोर पे बहता है, तो हम लोग आगे से आगे समुद्र कनेक्टिविटी रहती है, रेन में वर्षा में भी पानी बहता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूल, क्योंकि ये पूछ रहा प्रवाहहीन, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कहाँ होता है, पूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो, मतलब इस ग्राफ को पढ़ना है और उसके अनुसार आंसर देना। मैं मानती हूँ मैथ के क्वेश्चन थोड़े से टफ है, बट मैंने जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है उस एक्सप्लेनेशन से समझाया है, तो आप कोशिश ये करना कि अच्छे से उनको समझ लो, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इन क्वेश्चन को आप दो बार देखेंगे तो 100% आपको समझ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस ग्राफ में क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है हमें, इन विच ईयर वाज द वैल्यू पर बिस्किट द मिनिमम, किस वर्ष प्रति बिस्किट मूल्य न्यूनतम था, मतलब सबसे कम मूल्य कहाँ था। आपको थोड़ी ग्राफ में वैल्यूज क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, मगर मैं बता देती हूँ, जैसे 1983 में आपके 100 और 150 ये दे रखा है अमाउंट, फिर 75 और 150। अब ये पूछ रहा है कि किस साल में बिस्किट का मूल्य सबसे कम था, तो यहाँ पर ये जो है ना ये वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है करोड़ में, और ये आपके नंबर्स जो ये त्रिभुजाकार बना हुआ है ना, ये आकृति आपके बताती है क्वांटिटी, क्या बता रही है, क्वांटिटी, ध्यान रखना ये चीज, ये वैल्यू बता रही है और ये आपके क्वांटिटी बता रही है। अब ये पूछ रहा है किसमें कम है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें अगर 200 है और ये 500 है तो ये आधे से भी ज़्यादा है, मतलब इन सब की तो वैल्यू ज़्यादा होगी। सिर्फ 1983 और 1984 का ग्राफ लगभग पास में है, तो 1983 का ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि आपके वैल्यू तो कितनी है 150 और क्वांटिटी कितनी है 100, मतलब 150 रुपये में आपने 100 बिस्किट्स बेचे तो आपका क्या हो गया 1.5, और 1984 में कितना है 150 है मगर हमारे क्वांटिटी कितनी है 75, तो कितना है 2 रुपये, मतलब 2 आ रही वैल्यूज है ना, तो हमारे को मूल्य न्यूनतम ज्ञात करना है, तो न्यूनतम किस में हो गया 1983 में, तो इसका सही आंसर होगा 83। 85 में भी आप देख लो 330 है, आपको वैल्यू क्लियर नहीं दिख रही मगर मैं बता देती हूँ, और यहाँ 150 है 150, तो 150 क्या होगा 2 से मैक्सिमम, 2 से भी बड़ा होगा, यहाँ पे भी 180 है और 400 है, ये भी 2 से बड़ा होगा, और ये 200 है, तो क्वांटिटी 200 है और वैल्यू 500 है, तो ये भी 2 से बड़ा होगा, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1983 जिसमें वैल्यू सबसे कम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ के क्वेश्चंस हर जगह इंपॉर्टेंट रहते हैं, अच्छे से समझ लेना और 100% आपको ये क्वेश्चंस मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, इफ इन 1986 में बिस्किट वर एक्सपोर्ट एट द सेम रेट पर बिस्किट इन 1985, देन व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1986। ये बोल रहा है 1986 में, 1986 में बिस्किट्स को हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसमें, 1985 में 1985 की रेट में, तो हमें कितने रुपए में मूल्य में निर्यात किया जाएगा, हम बेचेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो कितने में होगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा 1985 में हम लोग 1985 की रेट से भेजा गया, तो 1985 की हम लोग रेट निकालेंगे, तो 1985 की रेट क्या है, पहले देखो 1985 में क्या रेट हो रही है 330, हमारी वैल्यू कितनी है 330 है, और ईयर में क्वांटिटी कितनी है 150 है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, आपको इस पर नहीं डिपेंड करना है कि करोड़ है या क्या है, तो आपको तो सब नंबर्स पे काम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2.2, मैंने इसको काट लिया तो ये आंसर आ रहा है 2.2, आप जीरो से जीरो काट लो 15 दुनी 30 और वापस 3 बचे 15 दुनी 30, 2.2, ये 1985 की रेट आ गई, 1985 में 2.2 की रेट से बेच रहे थे, हमें ये पूछ रहा है 1986 में कितने में बेचेंगे, तो 1986 में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, 1986 में क्वांटिटी है हमारे पास में 180, तो 160 है ना,
ये थोड़ा सा आपको इसमें क्लीन नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। 160, तो 160 इंटू 2.2 करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 352। 160 हमारे पास टोटल क्वांटिटी, ये किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो हमारे पास तो 1985 में अगर इस रेट पे बेचा गया है तो 1986 में हम 180 बिस्किट बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे, एक बिस्किट को 2.2 में, तो हमने 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है, 352। तो ये आंसर हो जाएगा 352 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब परमाणु और अणुओं के जो रासायनिक बंध में संग्रह ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और आप ध्यान रखना, कुछ आपसे नहीं भी याद हो ना, तो थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज हो तो आप उनको ऑप्शनल से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी एकदम अलग होती है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप परमाणु और अणुओं के जो रासायनिक बंध में संग्रहित होते हैं ऊर्जा को हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुक ऑन द टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी, एक किताब टेबल पे पड़ी है तो ये किस टाइप की एनर्जी का एग्जाम्पल है, ये है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, जैसे गाड़ी और चल रही है उसमें लगती है, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, केमिकल एनर्जी केमिकल्स में लगती है। तो इसका आंसर होगा, कोई बुक टेबल पे पड़ी है तो किस टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हम सबको पता है सन से जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी हमें किसी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 50% अवेलेबल रहती है ग्रीन हाउस के कारण, ग्रीन हाउस का होने का कारण 55%। उसके अलावा होती है मिथाइन हो गई तो वो 90% मिलेगी आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया तो वो 70% है, और ओजोन है तो वो आपके आ जाएगी 8%। तो ये अदर गैसेस के लिए रहेगा, ये मिथाइन का होता है, ये भी नंबर्स आप ध्यान रख सकते हो, मगर ये बोल रहा है मुख्य रूप से जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो गाइस आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा थे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, अगर आपको नहीं समझ आते तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोशिश करना एक दो बार वीडियो देखने की, समझ आ जाएंगे, ये गारंटी है कि सेम आपको यही क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आज हमने लेवल वन के क्वेश्चन सारे क्लियर कर लिए, सॉफ्ट स्किल के या हमारे कैलकुलेशन एंड साइंस के बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे, उसमें भी हमें कुछ न्यूमेरिकल और कुछ सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।